हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल पापा वुड पे। और एक बार फिर से हूं मैं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या की वॉकिंग स्ट्रीट पर अपने घर रास क्लब के बिल्कुल बाहर। और यहां पर बैठकर सबसे पहले तो थैंक्स बोलना है मेरे उन भाइयों को जो यार इंडिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचे। तो यार बहुत सारे भाई यहाँ पर पहुँचे, बहुत सारे भाइयों से अपनी मुलाकात हुई, बहुत सारे भाइयों ने बहुत सारा प्यार दिया। और इनफैक्ट यार लाइक मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप मुझसे पूछते हैं लोग कि ये बाबा आपके लिए क्या लाएं, तो मैंने बोला यार कभी मैं किसी से कुछ डिमांड नहीं करता यार। मैं बोला यार खाने के लिए आप कुछ भी ले आओ, मेरे लिए वो बहुत है। बिकॉज हम लोग यार यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी यार जो चीज़ें इंडिया में ही बनी होती हैं उसकी बात ही बिल्कुल अलग होती है। और यार आप लोग यकीन मानिए, कुछ चीज़ें तो यहाँ पर मेरे को लाइक ऐसी मिली कि जहाँ पर मैं आज तक खुद नहीं पहुँच पाया, लेकिन वहाँ का जो प्रसाद होता है वो मेरे पास यहाँ पर पहुँचा। लाइक आप लोग बात कर सकते हैं तिरुपति बालाजी की, यार मैं आज तक कभी बालाजी के दर्शन मैंने खुद नहीं किए, लेकिन बालाजी का जो प्रसाद है वो मेरे पास यहाँ पर पहुँच गया। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई जिन्होंने मेरे को यहाँ पर आकर वो प्रसाद दिया। इसके अलावा राजस्थान से श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी का प्रसाद मुझे यहाँ पर मिला। लाइक बहुत सारे अलग अलग जगह हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ की यार कुछ चीज़ें ऐसी जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, लेकिन इनफैक्ट मुझे वो भी यहाँ पर खाने को मिल गई। मेरे एक फ्रेंड है जो आंध्र प्रदेश से थे, वो वहाँ का कुछ ट्रेडिशनल स्वीट्स यहाँ पर जब भी आते हैं लेके आते हैं। तो यार इट्स लाइक आप लोगों का प्यार है यार, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइक इतना प्यार मुझे मिलेगा। लेकिन अब अपने बात करते हैं आज की, लाइक कि आज मैं आपके साथ क्या चीज़ शेयर करने वाला हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अब मेरे से यहाँ पर आने के बाद लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। क्योंकि यार अब क्या हो रहा है कि लोग यहाँ पर जब इंडिया से निकलते हैं तो प्लान करके आते हैं कि हम लोग 5 दिन या 6 दिन पत्या में रुकेंगे, 1 दिन हम लोग बैंकॉक जाएंगे, या 2 दिन हम लोग बैंकॉक जाएंगे, वहाँ से हम लोग शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि यार पत्या एक ऐसी जगह है, पत्या का ऑरा ऐसा है कि जो भी यहाँ पर आता है वो बोलता है कि यार आज जो 2 दिन मुझे दूसरी किसी सिटी में लाइक स्पेंड करने हैं, क्यों ना मैं वो 2 दिन भी पत्या में स्पेंड कर लूँ। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बोला कि यार जब आप लोग यहाँ पर घूमने आते हैं तो घर जाने से पहले जो शॉपिंग है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में जैसे ही आप लोग पहुँचेंगे आपकी फैमिली के बहुत सारे मेम्बर्स होंगे, लाइक आपके आस पड़ोस के लोग होंगे, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपसे पूछेंगे कि भाई मैंने तेरे को ये चीज़ बोली थी, तू लाया या नहीं लाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जाने से पहले शॉपिंग बहुत मैटर करती है। तो यार जो लोग यहाँ पर पत्या के अंदर मौजूद हैं वो लोग यार मेरे से डेली कोई ना कोई मेरा भाई मेरे को एक बार तो ज़रूर पूछता है कि बाबा मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं शॉपिंग के लिए कहाँ जाऊँ। क्योंकि यार ब्रांडेड चीज़ों के लिए अगर आप लोग बात करें तो जितने भी बड़े यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स हैं, इनफैक्ट थाईलैंड के अंदर कहीं भी आप जाएंगे तो आपको जो वो शॉपिंग मॉल्स हैं आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। आप लोग सेंट्रल फेस्टिवल की बात कर सकते हैं, टर्मिनल 21 की बात कर सकते हैं। तो यार कुछ एक ऐसे बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ से आप ब्रांडेड जो होते हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं यहाँ पर। तो यार अगर ब्रांडेड की बात करें तो ब्रांडेड के लिए जो लोग हैं वो इजीली पहुँच सकते हैं, लेकिन जो भी भाई मेरे यहाँ पर आते हैं वो बात करते हैं यहाँ के जो लोकल जो ब्रांड्स हैं, जो थाईलैंड के लोकल ब्रांड्स हैं, कि यार हमको वो जो कपड़े हैं, वो जो लाइक आप लोग कह सकते हैं जो मेकअप का सामान है या फिर जो बच्चों के लिए शूज़ हैं, खिलौने हैं, हमको वो कहाँ से मिलेंगे। तो यार मैंने सोचा चलिए आज ये चीज़ भी आपके साथ एक बार फिर से शेयर की जाए, क्योंकि मैं पहले भी यार ये जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अब क्या है कि अगर आप लोग प्रैक्टिकली बात करें तो अब सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, काफ़ी सारे भाई मेरे यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी सारे भाई शॉपिंग भी करना चाहते हैं, और वो शॉपिंग के लिए यहाँ पर गोल 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 घूमते हैं। तो यार जहाँ पर भी वो जाते हैं तो जो भी उनको मिलता है वो लोग बाय करके ले आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज आपके साथ ये चीज़ शेयर की जाए कि अगर आप लोग यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ के लोकल ब्रांड्स हैं या फिर जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर जो लोकल चीज़ें होती हैं जिनके कोई ब्रांड्स नहीं होते, जैसे हम लोग इंडिया में बहुत सारे बाजार लगते हैं, शनि बाजार, बुध बाजार, मंगल बाजार, हम लोग बाजार में जाया करते हैं। दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में तो हम लोग जाया करते थे, तो यहाँ पर भी कुछ एक ऐसे बाजार भी लगते हैं, ऐसी मार्केट्स भी लगती है, नाइट मार्केट, जहाँ पर आप लोग जाकर जो बिल्कुल लोकल स्टफ है वो भी यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं जो थाईलैंड के जो लोकल ब्रांड्स हैं वो आप यहाँ पर कहाँ कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यार सबसे पहले जो यहाँ पर नाम आता है वो है यहाँ पर पत्या नाइट बाज़ार। पत्या नाइट बाज़ार एक बहुत ही अच्छी जगह है अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहें जो यहाँ के लोकल ब्रांड्स हैं, लोकल जो स्टफ है। तो पत्या नाइट बाज़ार यहाँ पर पत्या के अंदर है, सेकंड रोड के ऊपर, बिल्कुल सेंट्रल फेस्टिवल मॉल के बैक साइड पर ही है। पत्या नाइट बाज़ार एक काफ़ी फेमस जगह है अपने भाइयों के बीच में। और इसके अलावा जो दूसरी जगह है वो है यहाँ पर बिग सी। तो यार बिग सी इज़ अ काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर आप इसको बोल सकते हैं, वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है। और
बिक्सी की अगर आप लोग बात करें तो पत्या के अंदर 3 से 4 बड़े बड़े बिक्सी हैं, लाइक बिक्सी एक्स्ट्रा है, लाइक अलग अलग नाम है और अलग अलग एरिया में लोकेटेड हैं ये बिक्सी, और आप यहाँ पर अगर इजीली सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यार आप कहीं भी स्टे करें, आपके लाइक जो भी होटल होगा उस होटल के नियर बाय कोई ना कोई बिक्सी ज़रूर होगा। तो यार बिक्सी से जाकर आप लोग अच्छे क्लोथ्स बाय कर सकते हैं, अच्छे कपड़े अपने लिए बाय कर सकते हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो ये जो स्टोर्स हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे थाईलैंड के लोकल ब्रांड्स। इसके अलावा अगर आप लोग शूज़ की बात करें, लाइक स्लीपर्स की बात करें, आप लोग जो लेडीज़ स्लीपर्स हैं उसकी अगर आप लोग बात करें, जो सैंडल्स होते हैं और बूट्स होते हैं गर्ल्स के लिए, शूज़ होते हैं जो, उसकी आप लोग बात करें तो आपको मोस्ट ऑफ सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको, जो लोकल ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपको मिल जाएंगी यहाँ पर आप बिक्सी के अंदर। इसके अलावा बच्चों के टॉयज़ हैं, इसके अलावा जो जो मेकअप का जो सामान होता है, अगर आप लोग कॉस्मेटिक्स बाय करना चाहें, अच्छा कॉस्मेटिक्स आप लोग बाय कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही रूफ के नीचे मिल जाएंगी, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पर, वो है टेस्को लोटस। तो लोटस भी एक बहुत ही बड़ा, आप लोग कह सकते हैं, काइंड ऑफ वेरी बिग स्टोर, तो लोटस में भी आप लोग जा सकते हैं, और लोटस में भी सेम ही चीज़ें हैं। लोटस में जाकर आप लोग जो यहाँ के लोकल ब्रांड्स हैं, यहाँ के कपड़े, यहाँ के शूज़, यहाँ का कॉस्मेटिक्स, लाइक जो बहुत फेमस है इंडिया में, कि यार अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो मेरे लिए प्लीज़ मेकअप का ये सामान ज़रूर लेके आइएगा, ये कॉस्मेटिक्स ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि अगर आप लोग वर्ल्ड वाइड बात करें तो यार थाईलैंड से बहुत सारा कॉस्मेटिक्स है जो यहाँ का जो लोकल ब्रांड्स है जो यहाँ से एक्सपोर्ट भी हुआ करते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो आपके घर वालों के लिए, लाइक आपके बेटर हाफ के लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपकी सिस्टर्स के लिए, आपके आस पड़ोस के लिए, आप लोग आपकी फ्रेंड्स के लिए इनफैक्ट यहाँ से अच्छा कॉस्मेटिक्स बाय कर सकते हैं। तो ये बिक्सी और टेस्को लोटस है, ये आपको यहाँ पर पत्या के अलावा अगर आप लोग बैंकॉक भी जाएंगे या किसी और भी सिटी में जाएंगे तो आपको मोस्ट ऑफ वहाँ पर मिल ही जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर अच्छा शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग बात करें तो जिस तरह से लाइक अपने पास में इंडिया के अंदर फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं, जहाँ पर हम लोग जो डायरेक्ट जो फैक्ट्री के जो फैक्ट्रीज़ के बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के जो डायरेक्ट जो शोरूम होते हैं, ब्रांड के जो शोरूम होते हैं, जहाँ पर हम लोग जाके एक अच्छी डिस्काउंट पर शॉपिंग करते हैं, तो अगर आप लोग ब्रांड्स भी बाय करना चाहें तो यहाँ पर है एक आउटलेट मॉल। तो आउटलेट मॉल के अंदर आप लोग जा सकते हैं, आउटलेट मॉल में आपको मोस्ट ऑफ सारे के सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, और ये डायरेक्ट आप लोग कह सकते हैं कंपनी के खुद के शोरूम्स होते हैं, कंपनी के खुद के आउटलेट्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा डिस्काउंट तो मिल ही जाता है। और इसके अलावा लाइक लोग बात करते हैं कि यार जो ये ब्रांडेड चीज़ें हैं ये हमको लाइक इंडिया में भी मिल ही जाती हैं, लेकिन भाई कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न्स का फ़र्क भी होता है, कुछ पैटर्न्स आपको यहीं पर मिलते हैं और आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलते, जैसे कुछ पैटर्न्स अपने को इंडिया में मिलते हैं और हम लोग यहाँ पर आकर सर्च करते हैं लेकिन हमको सेम वो चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो यार अगर आप लोग चाहें तो आउटलेट मॉल आपके पास में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है पत्या के अंदर, अगर आप लोग जो कंपनी आउटलेट से लाइक ब्रांडेड चीज़ों की आप लोग शॉपिंग करना चाहें। तो इसके अलावा आप अपने बात करते हैं यहाँ पर बिल्कुल जो लोकल स्टफ़ है, जो लोकल मीन्स लोकल जिसका कोई ब्रांड नहीं होता, जो मैंने आपको बोला कि जो बाजार लगते हैं जैसे दिल्ली में और भी बहुत सारी जगह पे बाजार लगा करते हैं इंडिया के अलग अलग सिटीज़ के अंदर, तो ऐसे ही यहाँ पर पत्या की अगर आप लोग बात करें तो पत्या में थेप्रा सिट नाइट मार्केट, आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये नाम देख रहे हैं, तो थेप्रा सिट मार्केट लगती है यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपके पास में वीक में नाइट मार्केट लगता है, शाम को लगभग 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप लोग उस मार्केट में जा सकते हैं। काफ़ी बड़ा मार्केट है जहाँ पे आपको प्रॉपर जो लोकल स्टफ होता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन आप लोग यकीन मानिए ये जो लोकल स्टफ है यार ये भी बहुत ही लाइक एक अच्छी क्वालिटी होती है, आप लोग कह सकते हैं कि अगर आप इसको यूज़ भी करेंगे तो लॉन्ग टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म चलता है यार। कहते हैं कि यार यहाँ से मार्केट से अगर आप कोई चीज़ बाय, जैसे मैंने कभी शूज़ बाय किए तो शूज़ अगर ऊपर से देखेंगे तो वैसे ही नया का नया दिखता है, सोल घिस जाते हैं, बट यार शूज़ नहीं फटता है यहाँ पर, इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लाइक एसेसरी मिलती है, आप लोग बैग्स बाय कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए पर्स बाय कर सकते हैं, आपके लिए बेल्ट्स बाय कर सकते हैं, कपड़े बाय कर सकते हैं, कुछ एक टी शर्ट्स हैं यहाँ पर जो लोकल टी शर्ट आपने देखा होगा यहाँ पर, अगर आप लोग क्लबिंग के लिए जाए तो काफ़ी सारे लोगों ने कुछ लाइक जो टी शर्ट्स ब्लिंक करती हैं, थोड़ा चमकती हैं, जो क्लबिंग के लिए टी शर्ट्स होती हैं, आप अच्छी टी शर्ट्स इस मार्केट से जाकर बाय कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसी मार्केट के दूसरे हिस्से में लगता है यहाँ पर एक फूड मार्केट, जहाँ पर आपको थाईलैंड का लगभग सारा का सारा जो भी फूड होता है, जो थाई फूड होता है, उसके सारे के सारे ऑप्शन आपके पास में मौजूद होते थे। एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है पत्या के अंदर लोकल स्टफ के लिए थेप्रा सिट नाइट मार्केट, जो यहाँ पर लगती है फ्राइडे सैटरडे और संडे को। तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अगर आप लोग स्क्रीन पर ये नाम देख रहे हैं थेप्रा सिट नाइट मार्केट, तो आप वहाँ पर जाकर एक अच्छा स्टफ जो है आपके लिए आप बाय कर सकते हैं, आपके घर वालों के लिए बाय कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के लिए बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने बात करते हैं एक और शॉपिंग मॉल जो पत्या के अंदर ही मौजूद है, जहाँ से आप बहुत ही अच्छे कपड़े आपके लिए बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छी टी शर्ट्स हैं वहाँ पर, बहुत अच्छी जीन्स हैं वहाँ पर, लाइक बहुत अच्छा स्टफ है, वो है माइक शॉपिंग
मॉल तो माइक शॉपिंग मॉल भी आपके पास पतिया के अंदर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप चाहें तो। माइक शॉपिंग मॉल आप लोग बीच रोड से भी जा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। माइक शॉपिंग मॉल आप लोग सेकंड रोड से भी जा सकते हैं, दोनों साइड से ये जो मॉल है इसकी एंट्रेंस है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर भी एक अच्छा स्टफ बाय कर सकते हैं अगर आप लोग बाय करना चाहें तो। तो यार ये सारी की सारी जो मैंने आपके साथ जगह शेयर करी वो चीज़ है जहाँ पर आपको या तो लोकल ब्रांड्स मिलते हैं, बिल्कुल लोकल स्टफ मिलता है। तो जो भी मेरे भाई फिलहाल पतिया के अंदर मौजूद हैं तो अगर वो चाहें तो इन सभी जगहों पर जाकर एक अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक्स की बात करें तो पतिया के अंदर राय पतिया ब्यूटी स्टोर्स हैं, लाइक पतिया ब्यूटी स्टोर बहुत फेमस नाम है यहाँ पर कॉस्मेटिक्स के लिए, जहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ मेकअप की हर एक छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ भी आपको मिल जाती है। अगर आप मेकअप अच्छी किट लेना चाहते हैं आप लोग पतिया ब्यूटी स्टोर को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस फॉर कॉस्मेटिक्स सिर्फ, क्योंकि यार लास्ट में जो लोग हैं कई लोग यहाँ पर कॉस्मेटिक्स भी ढूंढा करते हैं। तो वैसे तो जो भी जगह मैंने आपके साथ शेयर करी बिग सी है या लोटस है आपको वहाँ पर भी कॉस्मेटिक्स मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक्स ही बाय करना चाहते हैं तो आप लोग पतिया ब्यूटी शॉप का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है यहाँ पर तुक्कम मॉल, तो तुक्कम मॉल में जो लाइक छोटी छोटी लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें होती हैं आप वहाँ से तुक्कम से जाकर बाय कर सकते हैं। बहुत सारी लाइक ऐसे पार्ट्स होते हैं, किसी फ़ोन की बात कर सकते हैं आप, कैमराज की बात कर सकते हैं, तो आप तुक्कम में अगर जाएंगे तो आपको तुक्कम में मोस्ट ऑफ ये सभी चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी। तो यार यही कुछ जगहें हैं जहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो जाने के बाद एक अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पतिया के अंदर जो लाइक जैसे सोई बखाओ है, सोई बखाओ के अंदर भी यहाँ पर एक लोकल स्टफ का मार्केट है जो हर दिन खुला होता है, डेली एक मार्केट लगता है। जैसे आप सोई बखाओ के अंदर एंटर होते ही राइट हैंड साइड पर आपके पास में एक काफ़ी बड़ा मार्केट है जो यहाँ पर डेली ऑलमोस्ट लगा करता है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से जाकर लोकल स्टाफ बाय कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं जिसको यहाँ पर कई लोग तलाट भी बोलते हैं, तो आप चाहें तो आप वो भी जगह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नाम मैंने आपके साथ शेयर करी है वो जगहें हैं जहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि वन रूफ एक ही छत के नीचे आपके सारी की सारी शॉपिंग आपकी कंप्लीट हो सकती है। तो आई होप कि ये जितनी भी जगह मैंने आपके लाइक आपके साथ आज शेयर करी है कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएंगी और कभी ना कभी आप लोग भी यहाँ पर शॉपिंग करने ज़रूर जाएंगे। तो यार अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी हुई घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कुछ नया आ गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आपका अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलिएगा नहीं। मेरा नाम है सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा गुड। सी या।